अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, ये इशरत बीबी का नंबर है? हेलो, नहीं, उनके हस्बैंड का नंबर है। ठीक है सर, मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साउथ की तरफ से कश्माला कादिर बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही हूँ? मुझे कश्माला कादिर फ्रॉम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साउथ। जी ठीक है सर, मुझे ये पूछना था कि इशरत जो है वो अपने आप क्वारंटाइन किया हुआ है इन्होंने, या कहीं हॉस्पिटल में एडमिट है? वो तो अल्लाह के पास चली गई है। सॉरी, कब सर? 2 दिन हो गए। कोरोना की वजह से डेथ हुई है? नहीं नहीं कत्ल किया गया उनका। क्या मतलब? मतलब ये कि रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जबरदस्ती कोरोना में उसको घुसा कर और आइसोलेशन में रख के और उसको वेंटिलेटर पे डाल के मार दिया गया उसको। कहाँ पर? मेरे पास प्रूफ है, मेरे जेब में अभी भी लिए लिए फिर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कहीं पर भी। मेरे पास रिपोर्ट है दोनों, एक भी नहीं। उनको एक पे डाउट हुआ कि नहीं भाई ये जो अलामत है ये कोरोना की है। मैंने कहा भाई अच्छा। ये रिपोर्ट तुम्हारे सामने आई हुई है जियाउद्दीन के। उन्होंने अच्छा। कहा हम दूसरा टेस्ट करवाएंगे। दूसरा कराया, वो 48 घंटे में रिपोर्ट आई, वो भी नेगेटिव आई। फिर भी कहा नहीं नहीं हाँ फिर भी नहीं 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 फिर वापस में डॉक्टरों ने मुशावरत करके उसको जो है डिक्लेयर कर दिया कोरोना। और एक दिन के बाद फिर क्या उसको पता नहीं दिया गया, जिसपे वेंटिलेटर पे कर दिया। फिर वहां से इंडस में शिफ्ट किया, इंडस में 2 दिन में अल्लाह को प्यारी हो गई। I'm sorry sir, I'm so sorry. मुझे नहीं मालूम था, मैं इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर रही थी जस्ट। मसलन इन्फॉर्मेशन क्या मकसद है? मैं समझा नहीं आपकी। सर मुझे नहीं मालूम था डेथ का, सॉरी। मुझे जस्ट आपका मैं कोई इन्फॉर्मेशन के व्हाट्सएप लिए नंबर है तो कॉल मैं आपको कर रही रिपोर्ट थी। भी दे दूं, आपको वो जो नेगेटिव के हैं वो भी बता दूं। होना तो खैर कुछ नहीं है। नहीं सर, ये तो ऑफिशियल नंबर है, सॉरी, मैं तो ये होना तो ऐसा वैसे कुछ कुछ नहीं कर नहीं है, फिर सकती। भी मैं एक तो आप पता नहीं दिल कैसे ठंडा करूं। आप लोगों का जो फोन आ जाता है तो कहीं ना कहीं दिल का गुबार निकाल लेता हूं। एक बिल्कुल अल्लाह कमर पाक तोड़ खैर दी है, एक करेंगे जवान बच्चे सर। हैं, मकसद 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ा रही थी, एक BDS कर रही थी और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था बेटा। एक 18 साल का बेटा है, एक 20 साल की बेटी है। अब मुझे बताओ उनका क्या करूंगा मैं। मेरी पढ़ी लिखी वाइफ थी। क्या कह सकते हैं सर, मैं मैं जेब में लिए लिए फिर रहा हूं। और अपने अपने जियाउद्दीन ने रिपोर्ट्स वगैरह दोबारा दिखाई जाकर? अब क्या करने दिखाकर मैडम, मकसद ये है कि वो दुनिया से चली गई। अब क्या होना है? अब कुछ भी नहीं होना है। हमें नहीं है पता, हमारी पैदाइश सिंध की है, हम नहीं सही देखते हैं दुनियादारी में क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं होना है मैडम, सही बात है। टाइम जाया करना है, रोजे में अपने आप को परेशान करना, उसको आइसोलेशन में डाल के फिर हमें पूरा दिन रोजे में ख्वार किया कि जाओ कोई हॉस्पिटल ढूंढो उसमें शिफ्ट करना है, हम कोरोना का मरीज नहीं रखते। भाई कोरोना की मरीज तो वो है ही नहीं, तुम लोगों ने जानबूझ के कर दिया। 2-2 रिपोर्ट तुम्हारी अपनी है, तुमने डिक्लेयर कर दिया कि ये नहीं कोरोना है। मुझे बताओ ना वो रिपोर्ट तो बताओ मुझे जिसमें तुमने ये कोरोना, वो रिपोर्ट तो दो। ये नेगेटिव तो चलो मैंने किसी तरीके से आप लोगों से निकलवा लिए, मुझे पॉजिटिव वाले भी तो जरा दिखाओ ना। सही। लेकिन नहीं, वही हुआ, हमसे तो कहीं हो नहीं सका, भाग दौड़ हमने की। वो इन्होंने भाई वो इंडस में रात में एक बेड का इंतजाम कर दिया और वेंटिलेटर की हालत में शिफ्ट किया। वहां शिफ्ट करने के 2 दिन बाद वहां से फिर एक अलग लॉलीपॉप मिलता रहा। 2 दिन उन्होंने वीडियो कॉल पे इशारतन बातें करवाई हमारी। बस वो 2 दिन के बाद जो है रात 2 बजे बुलाया डॉक्टर ने, जो काउंसलिंग करते हैं, बोला भाई आप लोगों को पता है आप क्या था भाई, क्या था, वेंटिलेटर पे थी और जान भर ना हो सकी। और अल्लाह पाक आपको सुबह अच्छा मैं अपने फरमाए, पूरे इलाके के अल्लाह मेडिकल खैर स्टोर और जितने छोटे छोटे क्लिनिक है सबको मैंने हाथ जोड़ जोड़ कर कहा है कि जो भी आए मरीज बराए मेहरबानी यहीं इलाज करो, किसी बड़े अस्पताल में रेफर ना करें, किसी बड़े अस्पताल की तरफ ना भेजें। पता नहीं ये कौन से अपने कोटे पूरे कर रहे हैं इंसानों को मार मार कर, और ये भूल जाते हैं कि इनको मरना नहीं है। अब मुझे बताएं मेरे उन बच्चों का क्या होगा, 2 बच्चों का, उनकी किस तरह की लाइफ होगी, वो किस तरह, पहले ही लॉकडाउन के अंदर उनकी पढ़ाई वैसे ही